नमस्कार, मेरा नाम हरमेश नागपाल है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के एक पावर प्लांट में काम करता हूँ। जब भी मैं दिल्ली के तनावपूर्ण वातावरण से मुक्ति चाहता हूँ, मैं अपने गुरुदेव श्रील भक्तिवेदा नारायण गोस्वामी महाराज जी के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा पर आता हूँ। महाराज, गोवर्धन परिक्रमा का मतलब तथा उद्देश्य क्या है? हम लोग केवल गोवर्धन में ही नहीं, ब्रजमंडल में जहाँ भी परिक्रमा करते हैं, इसके बहुत से उद्देश्य हैं और हमने लिखवाया है आपको कि पहला उद्देश्य है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि नारद जी ने कृष्ण से वर मांगा था कि हमारी जितनी भी लीलाएं हैं, विशेष करके रासलीला इत्यादि हैं, गोवर्धन का उठाना है और जितनी भी लीलाएं हैं, वो बड़ी शक्तिशाली होती हैं। तो जैसे कृष्ण सब शक्तिशाली हैं, उनकी लीलाओं का सुनना भी बड़ा भारी शक्तिशाली है और उनकी लीला स्थली जहाँ है, जाने से वो लीला शक्ति ऐसी करती कि उस धाम से वो शक्ति आकर के उसको वही चीज दिलाता है जो कृष्ण दे सकते हैं। सहज ही में कृष्ण प्रेम गोपी प्रेम हो सकता है, पहला तो उद्देश्य ये। दूसरी बात, हम लोगों के बहुत से अनर्थ हैं शरीर में, देहात्म बुद्धि, ये सब दूर जाता है। यात्राओं में सहन शक्ति की जरूरत होती है, बहुत कष्ट होता है, इसलिए उसमें सहन शक्ति की भी कुछ आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ पर सहन शक्ति, गर्मी सर्दी वर्षा ये सब कुछ उसमें सहना पड़ता है। धारण करे, केवल एक स्वरूप विष्णु नहीं, ये और एक स्वरूप में
स्वयं ये कृष्ण है, इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को ये गिरिराज शिला देकर कहते, क्या बोलते हैं, कहते गिरिराज है रघुनाथ, ये गिरिराज कृष्ण है। और गुंजामाला कहते ये स्वयं श्रीमती राधा रानी, इसलिए गिरिराज कौन हो गए, ये स्वयं कृष्ण चंद्र हुए, स्वयं कृष्ण चंद्र। और तीसरे स्वरूप में ये हरिदास वर्ज्य है, कल आप लोगों ने श्रवण कर रहे थे कितना श्रेष्ठ भक्त है, इतना नहीं ये हरिदासी भी है, महाराज ने बताए। इसलिए अभी कृष्ण चंद्र को ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा को स्थापन करनी है। ये गिरिराज है क्या चीज, देखो जिनको स्वयं मैं स्वयं पूजता हूँ। और ये गिरिराज क्या है, सर्व अभीष्ट प्रदाता, सारे इच्छा पूरी करने वाले ये गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए जिस समय कृष्ण सभी ब्रजवासियों को ऐसे उन्होंने युक्ति तर्क और ऐसे बताए, सारे ब्रजवासियों का दिमाग घूम गया और सारे को सारे ये गिरिराज गोवर्धन की उन लोगों ने पूजा की। स्वयं एक स्वरूप में कृष्ण स्वयं खड़े हुए और दूसरे स्वरूप में कृष्ण स्वयं गिरिराज का स्वयं रूप धारण किए। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया लाला ये तो गिरिराज देखने में तेरे जैसे है, तू थोड़ा नाटा सा छोटा सा और ये गिरिराज तो एक विशाल है, केवल इतना ही फर्क है लेकिन तो देखने में तेरे जैसे, क्योंकि जिस समय कृष्ण उनको आचमन दे करके और उन्होंने इदम महाप्रसादम श्री गिरिराजाय नमः बोल करके जब गिरिराज महाराज को अर्पण किए, सभी ब्रजवासियों ने देखा विशाल स्वरूप गिरिराज धारण किया, विशाल रूप धारण करके और जो कुछ यहाँ पर 365 गांव के भोग प्रसाद लाए थे, लड्डू कचड़ी पूरी और पाता सब तरह तरह का, इतने में हमारे गिरिराज गोवर्धन हाथ पसार पसार करके जितने दिया था सब हाथ पसार पसार करके गिरिराज सब कुछ ग्रहण करने लगे। और मिनट में जितना दिया था सबके सब गिरिराज गोवर्धन ग्रहण कर लिया और लास्ट में बोले आनोरे 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 और लाओ। ब्रजवासियों ने कहा, प्रभु आपको हम इतना ही से आप तृप्त रहिए। लास्ट में तुलसी दल जब प्रदान किया, भगवान गिरिराज गोवर्धन तुलसी दल को लेकर के तृप्त हो गए, इसलिए ये गांव का नाम पड़ गया आनोर ग्राम है, इसका नाम शंकर सुन कुंड है। जिस समय राधा कृष्ण हमारे आनंद वृंदावन चंपू में कभी कर्णपुर वर्णना किया, जिस समय राधा कुंड में राधा और कृष्ण गोपियों के साथ में होली खेल रहे थे और होली खेलते खेलते वहां पर दो यहां पर मधुमंगल और ललिता में लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई हुई, ललिता बोल रही है मेरे राधा रानी राग रागिणी में सर्वश्रेष्ठ है, मधुमंगल बोले राधा रानी क्या जानती है हमारा कन्हैया राग रागिणी में श्रेष्ठ है, कहते परीक्षा हो। इतने में श्याम सुंदर कृष्ण चंद्र उन्होंने ऐसे राग गाए जिस राग को सुन करके कहते स्वयं भाबर जंगम द्रवीभूत होने लग गए, वृक्ष से पेड़ पौधा से लता बताओ से मधु झरने लग गया। इतने में मधुमंगल तो ताली बजाने लग गया, मेरे कृष्ण चित गए। इतने में राधा रानी जब राग गाई, राग गाने पर कहते जो स्थावर है जहां पर्वत था द्रवीभूत होकर पहाड़ी बन गया और जहां पर समतल था वो वहां पर पर्वत बन गया। राधा रानी जब राग गाई, इतने में ललिता भी सका ताली बजाए। अभी दोनों में अभी ललिता बोल रहे मेरे राधा जी जीत गई और मधुमंगल बोल रहे कृष्ण जीत गए। ऐसे करते करते इतने में शंखचूड़ जत्ते वहीं पर आया, आकर के गोपियों को एक तरफ में भगाते हुए ले जा रहा था। लेने पर यहीं पर जब उनको खदड़ते हुए कृष्ण लाए बलदेव प्रभु को रख करके, यहीं पर श्री शंकर ये शंखचूड़ दत्त को एक तमाचा मारे, एक तमाचा से बाह जय सियाराम कर दिए और उसको सिर पर जो समंत का मणि था वो मणि को उन्होंने ग्रहण कर लिया। ग्रहण करके अभी जो महाराज बता रहे थे उन्होंने दिया बलदेव प्रभु, फिर बलदेव प्रभु ने फिर दिया हमारे कुंदलता को। ऐसे करते करते श्रीमती राधा रानी को पास में ये फिर समंत का मणि जाता है और यही समंत का मणि राधा रानी जब कृष्ण विरह में यमुना में प्रवेश की। राधा कृष्ण नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जो प्रेम की नदी है वो हर समय उल्टी बहती है। आप ब्रज में आकर के देखोगे संपूर्ण जो स्वयं परात परतत्व है
यो ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण जो इत से कला पुंस कृष्ण स्तो भगवान स्वयं रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठ। लेकिन वह परात्पर तत्व अनंत कोटि अखिल विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक जो स्वयं संपूर्ण है, आज हुए प्रजवासियों को प्रेम में ऐसे बंध गए, ऐसे बंध गए, अपना भगवता को छोड़ कर गए, संपूर्ण ब्रज प्रेम में यहाँ पर गोता लगा रहे। इसलिए ब्रज में जहां जहां पर आप लोग जाओगे, अभी रंगली गली से आए हो, कौन सा रंगली गली है जहां पर संपूर्ण श्रीमती राधा रानी, जहां गोपियां अपना प्रेम रूपी रंग में कृष्ण को रंगा दिया करती थी, अपना अनुराग रूपी रंग में, अपना भक्ति रूपी रंग में जहां पर संपूर्ण रंगा दिया है, वह रंगली गली है। और इसका नाम क्या है? गौहर वन है। गौहर वन मतलब क्या है? जहां पर अत्यंत अत्यंत प्रिया प्रियतम की अत्यंत गंभीर से गंभीर लीला हुआ करता था, जहां पर ब्रह्मेश्वरादि सुदुरुह पदारविंदम, जिनको जिन लीला में ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद आदियों को के लिए भी पृष्ठी सुदुर्लभ, उनके लिए भी बड़ा दुर्लभ है। इसलिए वह ये गौहर वन, और गौहर वन का अंतर्गत इसका नाम क्या है? बरसाना। बरसाना मतलब क्या? जहाँ पर संपूर्ण राधा रानी प्रेम की, गोपी प्रेम की संपूर्ण जहाँ पर बारिश हुआ करती है, जहाँ पर जिस राधा प्रेम और गोपी प्रेम रूपी बारिश में जो संपूर्ण जहाँ पर कृष्ण जहाँ पर स्नान करते रहते हैं, जहाँ पर संपूर्ण वो गोता लगाते रहते हैं, जहाँ पर श्याम सुंदर, इसलिए उसका ये एक सांकेतिक खोर है। सांकेतिक खोर मतलब क्या है? संकीर्ण मतलब होता है संकीर्ण पतली, खोर मतलब होता है रास्ता। इसलिए प्रेम प्रेम की रास्ता अति संकीर्ण, जहां दो न समाए। इसलिए जो प्रेम की रास्ता है वो रास्ता बहुत संकीर्ण रास्ता, बहुत पतली रास्ता है। इसलिए यहाँ पर भी ऐसे रास्ता है जहां पर केवल एक को छोड़ करके जहां पर दो नहीं जा सकते। मतलब भगवान को प्राप्त करना तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण छोड़ करके मन मना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु। जब तक हम लोग संपूर्ण उनको चरण में ये मन को एकदम तो मत मना नहीं कर देते हैं, संपूर्ण उनको चरण में समर्पित नहीं हो जाते हैं, वह प्रेम के रास्ता में चलना कठिन। इसलिए देखो उधर का जो पर्वत का रंग है, राधा रानी जैसे गोरी है ऐसे ही ये पर्वत का रंग गोरी है, और कृष्ण जैसे काले हैं ये रंग का इधर का रंग भी वैसे काले हैं, और उसको बीच में जो रास्ता है ये सांकेतिक खोर, मतलब राधा कृष्ण का जो प्रेम की जो रास्ता है बहुत पतली रास्ता है, बहुत पतली रास्ता है, वहां पर दो नहीं समाए, केवल एक ही समा सकता है। इसलिए एक समय श्री श्याम सुंदर अपना सखा को साथ में यहीं पर गया चराने के लिए आए। कृष्ण के जब विशेष कोई लीला करना होता है घर से कलवा नहीं लाते, सखाओं ने मधुमंगल ताम वसुदाम श्रीराम ने कहा कन्हैया आज तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ तो व्यवस्था कर दे, बड़े भूख लग रहे हैं, कुछ तो व्यवस्था कर। कन्हैया ने कहा भाई चिंता क्यों कर रहे, आ जाओ मेरे साथ में। कृष्ण आकर के यहीं पर खड़े हो गए, और एक गोपी अपना सिर पर दूध दही मक्खन को भर करके अपना सिर गोबर में मट्टी में भर करके आ रही थी। इतने में श्याम सुंदर ने पहाड़ गोबर में चढ़ गए, चढ़ करके एक पत्थर उठा करके दे मार, मारते ही बांस मटकी फूट गई, और वो गोपी दूध दही से स्नान कर ली। गोपी तो एक है, सखा तो बहुत है, चारी तरफ में दाम बसदा मधुमंगल उनको घेर लिया, घेर करके उनसे सब लूट पाट कर खा लिया। बेचारी बड़ी शर्मा गई, दुखी हो गई, जा करके उनको जो मंत्री है जो प्रधानमंत्री श्रीमती राधा रानी उनको पास में शिकायत की, कहा देखो मेरे नंद जू के लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो ढेला। कहा देखो राधा जी आज नंद जू के लाला अलबेला, कहते कैसे है? कहते अलबेला सा रूप है, अलबेला मतलब जिनके बराबर सुंदर जहां कहीं नहीं है,
इसलिए हम लोग नबल कुंड भी गए थे और भूषणांग भूषणांग में जिनका रूप दर्शन करने के लिए कृष्ण भी अपना रूप देख करके पागल बन जाते हैं, राधा रानी जिसको रूप देख कर दीवानी बन जाती है, कहते क्या अल्पलसा रूप, क्या सुंदर रूप है वो श्याम सुंदर। कहते क्या क्या मेरे मटकी में मार गए ढेला, मेरे मटकी में ढेला मार कर, मटकी क्या है प्रेम रूपी मटकी है, मतलब हृदय में ढेला मतलब अपना आंखों की जो तिरछी नजर है, उनका जो तेरी नजर है वो नजर की जो एक बाण मारे तो मेरे हृदय रूपी ढेला में ऐसे चुभ गया वो तीर नहीं निकल रही, तात्पर्य जी यही है। इसलिए मेरे ढेला में आज मटकी मार पत्थर मारकर फोड़ दिया, दूध दही मक्खन को खा लिया, ललिता राधा ने विशाखन का किया हमारा सखी को ऊपर में ऐसे अत्याचार, ठीक है कल हम उनको दिखा देंगे मजा चखा देंगे, देखो आज खाए ना उनको मुंह में जरूर उसका ललच लोभ लग गया होगा, फिर दोबारा कल आएंगे। एक काम करो तुम फिर कल ऐसे दूध दही मक्खन भर करके तुम जाओ, पहले से हम लोग जा करके यहाँ पर कुंज कुंज में हम लोग छुपे रहेंगे, अगर दोबारा ऐसे किया ना तुम अपना हुइसल मारना, फिर देखना हम क्या करते हैं कैसे मजा दिखाते हैं। इसलिए फिर उनको मुंह में लग गया है मक्खन, वो तो मक्खन चोर ही है, इसलिए यहाँ पर श्याम सुंदर पुनः दूसरे दिन अपना सखा को ग्वाल बाल को लेकर के आए और यहाँ पर कुंज कुंज में नहीं कृष्ण गया चराने के लिए आए, पहले से सखियां ललिता विशाखा चंपक कर्ण गोपियां हैं पहले से आकर के कुंज कुंज में पहले छुप गई, और वो गोपी को बोले जाओ तुम दूध दही मक्खन लेकर जाओ, और उनको मुंह में लगा हुआ मक्खन है। जब दूसरे दिन फिर कृष्ण अपना ग्वाल बालों के साथ में आए, इतने में वो गोपी हुइसली मारी, मारी तो जैसे पुलिस आते हैं चारी तरफ से एकदम घेर गए उनके चारी तरफ में लाख करोड़ गोपियां चारी तरफ में घेर लिया, किसी सखा को चोटी को पेड़ में बांध दिया, किसको हाथ को बांध दिया, किसको गुलचा मारे, कृष्ण को तो सखाओं ने कहा देखो हमको कुछ पता नहीं हमारा लीडर तो कृष्ण है, ये कृष्ण ने हमको जैसे बताया हमने किया क्या, कहते यही लीडर, कहते यही लीडर है। वास कृष्ण को यहीं पर पकड़े, कोई अपना चुनरी उतारी, किसी ने लहंगा, किसी ने अलंकार उतार करके श्याम सुंदर को पूरा यहीं पर उन्होंने गोपी बना दिया, और गोपी बना करके उनको सिर के ऊपर में तीन चार मटकी धरे, और एक गोपी पहाड़ के ऊपर में उठ करके मारी ढेला, ढेला मारी तो बस मटकी फूट गई, कृष्ण श्याम सुंदर दूध दही थे दही में पूरा उन्होंने स्नान कर लिया, कृष्ण को तो आंखों से आंसू निकल आया, कृष्ण रोने लग गए कि हे गोपियां ब्रज गोपियां मैं आईंदा में भविष्य में कभी मैंने ऐसे नहीं करूंगा, मेरे को छोड़ दो मैं कान पकड़ता हूँ। इसलिए यही पर गोपियों ने श्री श्याम सुंदर को वो परात परम परम ब्रह्म तत्व को यहीं पर अपना प्रेम रूपी दूध दही से प्रेम से यहीं पर उन्होंने स्नान करा दिया था। ये जो पर्वत है ये ब्रह्मांचल पर्वत है, लेकिन यहाँ पर भगवान की रासलीला हुआ करती है, रासलीला होने पर उधर सिंहासन पर श्रीमती राधा रानी को बैठाते हैं, और इधर जो मंदिर है यहाँ पर श्याम सुंदर को बैठाते हैं, और वो जो दान की जो लीलाएं हैं, दान के जितने हमारे चंद्र सखी इन लोगों ने जितना सब रास दान की जो लोग जिन जिन्होंने सब भजन गाए सब यही पर बड़े सुंदर यहाँ पर वो लीला अभी भी होता है। आज हम लोग ये सांकरी खोर में हम लोग आए, ये गहवर वन में आए, इसलिए यहाँ पर श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, ब्रज गोपियों से गुरु वर्गों से प्रार्थना करेंगे वो लोग आशीर्वाद करें, जैसे ब्रज गोपियों ने अपना दूध दही प्रेम में श्याम सुंदर के स्नान करा दिया, उसी तरह कब हमारा ऐसे सौभाग्य आएगा जहाँ पर श्याम सुंदर भी अपना परम ब्रह्मता को भूल करके संपूर्ण ब्रज प्रेम में ब्रज गोपियों के प्रेम में जब संपूर्ण सरावर हो जाए। बोलो श्री साकरी खोर की जय। एक और उद्देश्य है, ब्रज में बहुत से जगह लुप्त हो रहे हैं, कृष्ण की लीला स्थलियां लुप्त हो रही हैं, हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ जाएं लोगों में प्रेरणा दें, विदेशी और देशी लोगों में, कि उन स्थलियों का विकास पुनः हो, जैसे गोवर्धन में ब्रह्मकुंड, भांडीर वन में वो भांडीर भट्ट, और
नंदगांव में कदम्ब कियारी और कदम्ब टेर ये सब लुप्त होने जा रहे थे। कदम्ब के बड़े बड़े वृक्ष थे वो सब खत्म हो गए, पीलू के वृक्ष थे, तमाल के वृक्ष थे, ये सब खत्म हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इनका विकास हो करके फिर वहाँ पर ये चीज़ें हों। कुंड जो नष्ट हो रहे हैं उनको फिर से खुदवा करके और फिर से उनको ठीक कराएं। तो हमने इसके लिए जगह जगह में इसके लिए व्यवस्था की है और सुरभि कुंड है, सुरभि कुंड है और वहाँ पर नंदगांव में बरसाना में भानु कुंड है, कृतिका कुंड है, ये सब लुप्त होने जा रहे हैं। पानी बहुत गंदा रहता है, इन सब का फिर से विकास कराएं जैसे पानी गंदा ना रहे और जो जिनकी मिट्टी से भर गए हैं उनको फिर से बनाएं। कदम्ब खंडी इत्यादि जहाँ पर बंद थे, भांडीर कदम्ब के वृक्ष थे जहाँ पर कृष्ण ने गोपियों को और सखाओं को बुला करके गोचारणी इत्यादि करा, वो सब लीलें ही अंतर ध्यान हो रही हैं, उनको फिर से हम विकास करें। एक और बात है, ब्रजवासी लोग जो पंडे कहलाते हैं और बरसाना है और सब जगहों के मथुरा के, ये लोग अपना यात्रियों से पेट तो भरते हैं किंतु एक पैसा इस विकासों के लिए नहीं दे रहे और इसके बदले में पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग सब का सेवन करते हैं। वो भीख मांगते हैं, उनके बच्चे भीख मांगते हैं, इसलिए उनमें प्रेरणा दें। लोग आते हैं हमारे भाषणों से और यहाँ आकर के देखते हैं तो उनकी श्रद्धा ब्रज पर नष्ट हो, यही ब्रज है, इसलिए लोगों में प्रेरणा हो कि ये सब लोग छोड़ करके शुद्ध बने, अपने बच्चों को पढ़ाएँ, उसके लिए शिक्षा का स्तर भी बढ़ाया जाए और स्कूल कॉलेज भी खोल ले जाएं जिससे ये सब चीज़ें हों। आपका मेरे साथ परिक्रमा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि भविष्य में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।